The whole world will acknowledge me. आज हम देखेंगे सबसे छोटी टाइटल रेस जिसको देख के मन में यह भाव आएगा कि उन रेसलरों के मन में क्या बीती हो। आइए नजर मारते हैं उन पांच सुपरस्टार पर। रॉब वैन डैम, अगर बात प्रसिद्धता की हो तो इस मामले में रॉब वैन डैम का कोई मुकाबला नहीं है। जब वे अपने अच्छे समय में थे, इस सुपरस्टार को WWE का सबसे ज्यादा अंडररेटेड सुपरस्टार माना जाता था। जब तक उन्हें जॉन सीना से लड़ने का मौका नहीं मिला था, फिर उन्हें एक बड़ा मौका मिला और उन्होंने जॉन सीना को हराकर WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था। मगर यह बेल्ट उनके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई थी। रॉब वैन डैम ने अपनी चैंपियनशिप एज के सामने हार गए थे जब उनका एज और जॉन सीना के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था। वैन डैम ने चैंपियनशिप जीतने के 3 हफ्ते बाद ही उसको खो दिया। अगर RVD की प्रसिद्धता को देखा जाए तो यह घटना बहुत ही शर्मनाक थी, मगर कंपनी के फैसले की इज्जत करना भी जरूरी होता है। चैंपियनशिप को रॉब वैन डैम से लेने का फैसला इसलिए नहीं लिया गया था कि WWE को उन पर भरोसा नहीं है, बल्कि रॉब वैन डैम एक ऐसे प्रसिद्ध सुपरस्टार थे जो किसी रेसलर के भी साथ एक शानदार मैच का प्रदर्शन देने में काबिलियत रखते थे। और यह फैसला लेने से RVD की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व बनाने के लिए बेल्ट की जरूरत नहीं थी। अगले रेसलर है जो WWE में चेयरमैन रह चुके विंस मैकमैन। नो चांस, दैट्स व्हाट यू हैव गॉट। कुछ लोग को यह एक म्यूजिक थीम लगती है, मगर आपको बता दें कि आज भी विंस मैकमैन WWE की कमान संभाले हुए थे। वे 90s में किसी के भी कंधे में चैंपियनशिप की बेल्ट लटका सकते थे अगर वे किसी को मजबूत मानते थे, लेकिन एक बार यह मौका वे खुद भी पाए थे। ट्रिपल एच को हराकर WWE चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम कर ली थी, मगर 6 दिन बाद ही उन्होंने यह बेल्ट को खाली कर दिया था। यही काम उन्होंने ECW चैंपियनशिप के साथ भी किया जब फैंस उनके चैंपियन बनने से खुश नहीं थे और उन्होंने टाइटल खाली कर दिया। हमने ऐसा कई बार देखा है जब बॉस ने चैंपियनशिप जीत ली हो। एक उदाहरण है ट्रिपल एच का चैंपियन बनना और WrestleMania 32 में WWE चैंपियन के तौर पर जाना। हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसे और भी उदाहरण देखें, क्योंकि हम अब एक न्यू एरा की ओर बढ़ रहे हैं। अगले सुपरस्टार है द बिग रेड मशीन केन। केन को आज WWE के परिवार का हिस्सा बने लगभग 23 साल हो चुके हैं और यह बस समय की बात है कि कब हमें एहसास हो जाए कि ये एक महादिग्गज परफॉर्मर है। भले उनकी उपलब्धियां कुछ खास न रह पाई है, मगर इससे यह बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इनका करियर शानदार रहा है। केन सिर्फ एक दिन के लिए ही चैंपियन बन पाए थे जब उन्होंने स्टीव ऑस्टिन को फर्स्ट ब्लड मैच में हराया था, मगर अगली रात उन्होंने टाइटल खो दिया जब वे स्टीव ऑस्टिन से रॉ में हार गए। कुछ लोगों को इस बात का तर्क समझ नहीं आ पाएगा, मगर उन दिनों यह काफी चलन में था। भले आप केन को पसंद करें या ना करें, मगर आप एक बात को गलत नहीं बता सकते कि केन WWE चैंपियन होने के हकदार है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेन से इस बात को साबित किया है। दुख की बात है कि WWE इस बात से वाकिफ नहीं था। जरा सोचिए अगर यह बिग रेड मॉन्स्टर एक साल तक चैंपियन रहता। अगला सुपरस्टार है बस 619 रे मिस्टीरियो, जिनका टाइटल रन काफी कम है। बेचारे रे मिस्टीरियो ने WWE में अपना काफी समय बिताया है। इन्होंने कुछ बहुत खूब परफॉर्मेंस भी दिए है और WWE के इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ रेसलर है, मगर दुख की बात है कि उनका चैंपियनशिप का कार्यकाल एक दिन से भी कम समय के लिए रहा। इन्होंने एक ही रात में टाइटल जीता और उसी रात में गवा बैठे। मिस्टीरियो ने टूर्नामेंट में जीतकर यह बेल्ट हासिल की और उसके तुरंत बाद सीना ने उनके खिलाफ मैच लड़ा और चैंपियनशिप जीत गए। सीना बेशक जीत गए और लोगों को लगा कि यह WWE में जॉन सीना का हील रूप होगा, मगर नहीं, यह तो बिल्कुल आम बात है कि एक बेबी फेस दूसरे बेबी फेस को ऐसे हरा सकता है। यह बहुत शर्म की बात है। रे मिस्टीरियो को कम से कम एक हफ्ते के लिए ही सही, मगर चैंपियन बने रहना देना चाहिए था। इसके अलावा वो हेवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। आखिरी रेसलर की ओर बढ़ते हैं और यह एक जायंट है, आंद्रे द जायंट। एक दिन से भी कम के लिए आंद्रे द जायंट प्रो रेसलिंग के क्षेत्र के एक महान दिग्गज रेसलर है, और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो शायद आपने उनके बारे में सुना नहीं है। यह इतने बड़े थे कि इनके नाम में हर साल WrestleMania में एक बैटल रॉयल होता है। इनका नाम लिया जाता है जब WrestleMania 3 की बात होती है, क्योंकि उसमें एक ऐतिहासिक किस्सा आंद्रे के नाम है। तो ऐसे में अगर सुनने को मिले कि आंद्रे ने अपना टाइटल खाली छोड़कर टेड डिबियासो को दे दिया, यह बात बहुत शर्मनाक है। इससे अच्छा अगर आंद्रे को टाइटल के साथ रखा जाता जब तक वे WrestleMania 3 में होगन से लड़ने की ओर बढ़ रहे होते, तो यह और भी अच्छा माना जाता, मगर यह 80 के दशक की सोच है। लेकिन
लेकिन फिर भी आंद्रे को आज उतनी इज्जत मिलती है जितनी किसी को 50 बार चैंपियन बनने से मिलती होती। यह उनकी खासियत थी, जब भी वे रिंग में घुसते थे तो एक अच्छा वातावरण बना देते थे। तो कैसे लगे आपको ये 5 रेसलर के काफी कम समय के टाइटल रेन, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। रेसलिंग रिगार्डिंग ऐसे ही मसालेदार वीडियोस हमारे चैनल SMB रेसल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।